कोई ईमानदार अल्लाह हमारे मुल्क में बंदा आ जाए जो मुल्क को अच्छे तरीके से चलाए। इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है और दो साल से हम सुन रहे होंगे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी होंगे। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर आवाम मर जाएगी। हमें अभी तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि कोई भी ऐसा जो है कि आए और वो आके मुल्क को अच्छे तौर पर चला सके। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ट्रेडिशनल न्यूज़ के साथ मैं हफ्साली राना। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुल्क में जो एक बेयकीनी की लहर थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, वो ख़त्म हो चुकी है। आज हम लोगों से मज़ीद इस बारे में बात करते हैं कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए और जमहूरियत के लिए इंतखाबात किस कदर ज़रूरी है। बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया, क्या कहना चाहेंगे, इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं मुल्क के इस्तेहकाम के लिए? ये तो बहुत ज़रूरी है, जो महंगाई ने हाल कर दिया, हर घर में बुरा हाल हुआ है। इलेक्शन तो ज़रूरी हैं, मुईशत के लिए भी ज़रूरी हैं। अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर आवाम मर जाएगी। आवाम को चाहिए कि अब अपना इंतखाब जो है वो दुरुस्त करे, ताकि जो पिछले को 60-70 साल से जो एक ही तरह की पॉलिटिक्स चल रही है उससे जान छूटे हमारी। इंतखाबात की वजह से मुल्क में तरक्की आएगा। अभी देखो हालात ख़राब है, रोज़ रोज़ हालात ख़राब होता जाता है, हर चीज़ महंगाई ऊपर ही जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे, इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं मुल्क में इस्तेहकाम के लिए और मौशी इस्तेहकाम के लिए भी? इंतखाबात जो है ये बहुत ज़रूरी है। कोई आता है मुल्क के लिए जो इसको अच्छे लायक तौर पर चला सके और लोगों के लिए, आवाम के लिए भलाई को कर सके, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि कोई भी ऐसा जो है कि आए और वो आके मुल्क को अच्छे तौर पर चला सके। देखिए जी, मुल्क में जो आजकल जो चल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी का जीना दुभर हुआ हो, तो इसकी वजह से जो मुल्क का निज़ाम जो है ना, वो कोई ईमानदार अल्लाह हमारे मुल्क में बंदा आ जाए जो मुल्क को अच्छे तरीके से चलाए। बहुत अच्छी बात है जी, इलेक्शन हो रहे हैं, अगे हुकूमत रही है 3 साल, उन्होंने कर्म ने नाली भी नहीं बनाई, एक बल्ब नहीं उस तो लाया आ लाइटा का। जैसे मुल्क के हालात हैं, इस टाइम कर्ज़े में डूबा हुआ है, हर बंदा अपने रेट लिस्ट निकाल रहा है। इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है और दो साल से हम सुन रहे होंगे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया, जो मुल्क में अगर मगर की सिचुएशन थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वो ख़त्म हो गई है, क्या कहना चाहेंगे, इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं मुल्क में इस वक्त इस्तेहकाम के लिए? इंतखाबात होंगे तो आगे मसला सारे पाकिस्तान के हल होंगे, वैसे तो होंगे नहीं, क्योंकि अब इस तरह जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन करवा रहा है ना, कोई मुतमिन कोई शख्स नहीं है। वोट तो होने चाहिए, वो तो अच्छी बात है, ज़रूरी बूर है, यानी कि वोट होंगे तो आगे मुस्तकबिल भी चलेगा ना।